तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग आ गए हैं खेत की तरफ। और ये देखिए, यहाँ पे मक्के को छील कर सुखाया जा रहा है। और ये आगे हिमांशु चल रहा है और हम लोग खेत को देखने जा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और काफ़ी सुंदर। ये देखिए, ये गांव का खेत खलियान है और ये बागीचा है जो कि काफ़ी शानदार अच्छा दिखाई दे रहा है। यही गांव का खूबसूरती है। और यहाँ पे बच्चे देखिए कोचिंग के लिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये देखिए, अरे है मक्के का खेत। और ये देखिए, हिमांशु तोड़ के दिखा रहा है कि कैसा हुआ है। इस बार ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया गया है इसीलिए। और ये देखिए, ये सूख गया है और ये अमन है। और ये देखिए, यहाँ पे हिमांशु तोड़ा है और ये अमन है। और ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अच्छा हुआ है। और अभी हम लोग खेत से निकल चुके हैं और खेत से निकलने के बाद से अब हम लोग अपने छठ घाट पे जा रहे हैं। देखिए, ये हम लोग का गांव का छठ घाट है जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा था क्योंकि अब छठ का त्यौहार आने वाला ही है, अगले महीने में ही है। तो अभी घाट का निर्माण हो रहा है। और ये देखिए, ये सारे गांव का छठ है, यहीं पे होता है और काफ़ी शानदार यहाँ पे होता है। अरे नया छठ, और पोखरे में भी पूरा पानी है इस बार। और ये अमन है, ये पोखरा है, काफ़ी बड़ा है। अरे नया छठ घाट बना है यहाँ पे, अमन है, हिमांशु है। और इसी का निरीक्षण करने हम लोग आए हुए थे जो कि काफ़ी शानदार बन गया है। और ये साफ़ सफाई होगा तो और भी सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। इस बार पोखरे में बहुत ज़्यादा पानी है क्योंकि पिछले 2 सालों से इतना देख रहे पानी हैं कि नहीं हम था लोग आए हैं छठ लेकिन घाट इस बार पे, बहुत गांव ज़्यादा के आ छठ गया घाट है। पे। अरे हिमांशु है, छठ पूजा का महापर्व आ रहा है। और ये देखिए, पवन अंकल का छठ है, यहाँ पे हिमांशु है। अरे नया यहाँ पे छठ घाट बना है, ये अमन है। और चारों तरफ अभी घास ही घास है, लेकिन जैसे जैसे हिमांशु त्योहार आता है, जानते ही हैं ये बिहारियों के दिल से जुड़ा हुआ एकदम त्योहार है। और आ रहा है, उसी का तैयारी अभी धीरे धीरे अब चल रहा है। घाट वोट का निर्माण कार्य चलने वाला है। अभी एक घाट का निर्माण हो गया है और पानी भी देखिए एकदम पूरा लबालब इस बार भरा हुआ है। पिछले 2 बरस से इसमें पानी सूख गया था ही नहीं। और इस बार देखिए ये नया छठ घाट। अरे यहाँ चारों तरफ, ये अगले महीने में ही है छठ। तो आप कुछ बोलिएगा, आप बताइए, आप लोग बोल दीजिए कुछ। बोलिए हिमांशु जी, बोलिए बोलिए। छठ आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा है यहाँ पर। लगता है इस समय और भी बहुत सुंदरता यहाँ का बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पे नया पुल का बना है और पानी भी आ चुका है बहुत ज़्यादा। और ये हम लोग का छठ है और इस गांव बार का सफाई वफाई होगी और जितना इधर है सारे कंजास को हटाया जाएगा। फिर से वहाँ से वहाँ तक रोड बनेगा और रोड और बनने बहुत से ही जबरदस्त मेला भी लगता है। मेला भी लगता है यहाँ से उधर साइड, चारों तरफ मेला ही मेला लगता है। वाला का सब चीज लगता है यहाँ पे और काफी लोग भी रहते हैं यहाँ बहुत पे सारे लोग आते हैं पूरे गांव गांव के, से। पूरा हाँ पूरा गांव के लोग आते हैं।